तो ब्रह्मा जी खिन्न हो जाते हैं कि अब जो है दक्ष का बद्ध हो गया है, सिर के विहीन हो गया है, सिर जो है यज्ञ कुंड में आहुत हो गया है, वीरभद्र ने जो है सिर काट करके हवन कुंड में हवन कर दिया। अब जो है दक्ष का घड़ जो है निर्जीव अवस्था में वहां पड़ा हुआ है। ब्रह्मदेव जो है चिंता कर रहे हैं कि किस प्रकार किस यत्न से जो है अब जो है दक्ष जो है पुनर्जीवित हुए, किस प्रकार से यह संसार जो है चले। तब जो है ब्रह्मा जी भगवान नारायण का चिंतन करते हैं और चिंतन करते करते भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और भगवान नारायण से सब व्यथा सुनाते, कहते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, आप ही जगत के पालनहार हैं, आप ही जो है इस घोर संकट से मेरे पुत्र के यज्ञ को संपन्न करा सकते हैं, मेरे इस कष्ट को मिटा सकते हैं, इस संताप को आप मिटा सकते हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा जी, अब जो है सब कुछ नष्ट हो गया है, तहस नहस हो गया है, इसलिए अब इस पर अन्यत्र विचार छोड़ करके हमें भगवान शंकर की शरणों में जाना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। देखो, हमने जो है हम सब ने यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए वहां निमंत्रण स्वीकार कर लिया, हम चले गए। क्यों गए थे? क्योंकि हमें विस्मृति हो गई थी, हमें किसका श्राप था? ऋषि दधीच का श्राप पड़ा हुआ था सब देवताओं को, इसलिए हम वहां चले गए और हम सब दोषी हैं, इसलिए जो है अब हमें जो है भगवान शिव से जो है क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। और भगवान को बोले भंडारी ने, एक बार आप वो हाथ जोड़ेंगे तो वो जरूर हमें जो है आशीर्वाद देंगे, हमें अभय दान देंगे। इस प्रकार से जो है ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता जो है कैलाश पर्वत पर चलेगी, भगवान शंकर के दर्शन किए और जो है सब अपने अपने स्वरों में भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किस प्रकार से आराधना कर रहे हैं कि भगवान शंकर, आप यहाँ वियोग में क्यों हैं? आप तो जो है ओगरदानी हैं, आप तो संपूर्ण संसार का सार है, सारा जगत आप में व्याप्त है, हम सब की उत्पत्ति आपसे हुई है, हम सब का लय आप में ही होना है, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए प्रभु। इस प्रकार से भगवान शंकर जो है सबकी स्तुतियां सुन करके प्रसन्न हो गए और जो है कहा कि यह सब तो मेरी माया थी, हे ब्रह्मा विष्णु, हे देवताओं, यह जो है ऋषि दधीच का जो है जो श्राप था वो भी फलित करना था और दक्ष को जो है घमंड हो गया था वो भी चूर्ण करना था, इसलिए जो है यह लीला रचानी आवश्यक थी। माता जगदम्बा सती को जो है पार्वती रूप में जन्म भी तो लेना था, इसलिए जो है उस देह का त्याग करना भी जरूरी था, यह सब मेरी माया है, इसलिए जो है दक्ष का जो है यज्ञ विध्वंस हुआ और सब देवताओं का जो है जो साप था वो संताप था वो मिट गया है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु, अब यह सब कुछ तो हो गया, यह घटना तो घट गई, प्रभु आप कृपा कीजिए, अब जो है मेरे पुत्र के यज्ञ को आप संपूर्ण कीजिए प्रभु। तब भगवान शंकर कहते हैं कि अवश्य ही जो है दक्ष का यज्ञ संपन्न होगा। तब जो है भगवान शिव जो है वीरभद्र सहित असंख्य गणों सहित जो है वहां पहुंचते, कहां? यज्ञशाला में। दक्ष प्रजापति के कहां हो रहा था यज्ञ? यज्ञ कहां हो रहा था? वो वाला अब भूल गए सब, अब कनखल में हो रहा था ना, हरिद्वार में। वो यज्ञ हरिद्वार कनखल में हो रहा था, तब भगवान शंकर वहां आ गए अपने गुणों के साथ, वीरभद्र के साथ वहां पहुंच गए और जो है तब देखा, तब जो है हंसते हुए जो है वीरभद्र से कह रहे, अरे वीरभद्र, तूने तो ये गुज्जा दही कर दिया, ये देखो तूने जो है इस भृगु की ऋषि की तो दाढ़ी उखाड़ ली है, तूने उखा के तो जो है
जो है ने ये दादी उखाड़ दिए तूने, स्वाहा स्वधा भी यहाँ मूर्छित पड़ी हुई है, हैं? भग देवता को अंधा कर दिया है तुमने, तुमने यहाँ तहस नहस त्रस्त भ्रष्ट कर दिया है, अब किस प्रकार से अब क्या करें? और कहाँ है वो दक्ष का शरीर, कहाँ है दक्ष, कहाँ है? तब जो है वीरभद्र कहते हैं, प्रभु दक्ष का तो मैंने बद्ध कर दिया, तो दक्ष का बद्ध कर दिया तो कहाँ है शरीर? शरीर लेकर के जो है वीरभद्र वहां पहुंचते हैं, सिर विहीन सिर को लेकर के शिव कहते हैं, कह रहे वीरभद्र इसका सिर कहाँ गया, दक्ष का सिर कहाँ है? तो भगवान वीरभद्र कहते हैं कि प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार मैंने जो है इसका बद्ध कर दिया और इसके शीश की आहुति यज्ञ कुंड में दे दी। तब भगवान शंकर कहते हैं कि चलो भाई आप तो शीश की आहुति दे दी, वो शीश तो नहीं लगेगा, इसलिए जो बकरा होता है दक्ष को जो है बकरे का मुंह जो भगवान शंकर ने रोक दिया, लगा दिया, और इससे जो है दक्ष के शरीर में प्राण आ गई और दक्ष खड़ा हो गया, रोने लगा, भगवान शंकर की स्तुति करने का उसका मन हुआ, विचार हुआ कि मैं अब भगवान शंकर की स्तुति करूं, परंतु उसको अपनी भूल का एहसास हो गया, रोने लग गया, तर तर आंसू बहने लग गए दक्ष के नेत्रों से, और जो है सबसे प्रथम उसको अपनी पुत्री का जो है स्मरण आया कि मैंने क्या कर दिया, जो है जाने अनजाने में क्रोध क्या नहीं करवा, क्रोधात भवति सम्मोहं, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति नाशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, क्रोधात भवति सम्मोहं, क्रोध से हमारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, क्रोधात भवति सम्मोहं, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोहनों से हमारी स्मृति यादाश्त खत्म हो जाती है, स्मृति नाशात बुद्धि नाशो, जहां स्मृति नाश स्मरण शक्ति नाश हो गई तहां बुद्धि नाश, बुद्धि नाश मैंने जिसके जिस मनुष्य में बुद्धि नहीं होती है वो प्राणहीन पशु समान हो जाता है, जैसे होते हैं ना कहते हैं अरे यार कहा इसका दिमाग खराब हो गया, अब ये जो है इसको कुछ याद नहीं है, ये ऐसे ही विचरण करता है, तब जो है दक्ष को याद आ रहा है कि मेरी तो ऐसी दशा हो गई थी, मेरी तो हुई हुई सब देवताओं की इसी प्रकार दशा हो गई थी, सब जो है बुद्धिहीन हो गए थे, प्राणहीन हो गए थे, जो भगवान शंकर का इतना बड़ा अपराध कर दिया सबने मिलकर के, तब जो है अवरुद्ध कंठ जो है दक्ष का हो गया, स्तुति भी न कर पाया भगवान शिव की, दक्ष जो है स्तुति करना चाहता है भगवान की, परंतु बार बार जो है उसे क्या दिखाई देता है, सती का जलता हुआ देह, सती का जलता हुआ शरीर दक्ष को बार बार दिखाई देता है, और बार बार दक्ष अपने को धिक्कारता है, और कुछ देर बाद जब उसका जो है धैर्य धारण होता है तब जोर जोर से रोता है दक्ष, प्रभु के चरणों में गिरता है, कहता है प्रभु मैं तो अज्ञानी हूं, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पश्चाताप जो है सबसे बड़ा उपाय है, प्रायश्चित का सबसे बड़ा उपाय क्या है, पश्चाताप, हमें पश्चाताप हो गया तो प्रायश्चित का मार्ग खुल गया, अगर हमें पश्चाताप हो गया तो मार्ग खुल गया, मार्ग खुल गया तो हम उस विधि से अपने पापों का विमोचन करेंगे। तब जो है भगवान शंकर जो है आज्ञा देते हैं वीरभद्र को, हे वीरभद्र अब तुम शीघ्र ही जो है भग देवता के नेत्रों को सूर्य भगवान से मिला दो, जिससे जो है भग देवता जो है भगवान सूर्य नारायण की दृष्टि से यज्ञ को देखें, भूखा के दांतों को भी देते हैं जिसलिए वो जो है आहुति को ग्रहण कर सके, स्वाहा स्वधा को भी जिला दे जिससे जो है देवताओं और पितरों को जो है स्वाहा और स्वधा आहुतियां प्राप्त हो, भाग प्राप्त हो, और जो है भृगु को जो है बकरे के समान दाढ़ी लगा दो जिससे यह भी पूर्ण हो जाए। इस प्रकार से वीरभद्र जो है भगवान शिव के कथनानुसार यह सब करता है, उसके बाद यथोचित यज्ञ जो है पूर्ण होता है। इस प्रकार से दक्ष का
घमंड चूर्ण होता है और देवता जो है साप विमुक्त होते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अब जो है हम सती खंड से अब जो है पार्वती खंड में जाते हैं। इस प्रकार जो है नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हे ब्रह्मदेव, माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर पार्वती कन्या पर्वत की कन्या के रूप में कैसे जन्म लिया? उन जगन माता ने कैसे तप करके भगवान शंकर को उनसे प्राप्त किया? कृपा करके आप यह सब मुझे बता दीजिए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे मुनि शार्दूल, अब तुम परम पावन शिव पार्वती के सुंदर चरित्र को सुनो। जब दाक्षायणी अर्थात माता सती देवी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय की प्यारी मेनका के घर जन्म लेने का विचार कर लिया था। क्यों? क्योंकि हिमाचल की पत्नी मैना जो है भगवती जगदम्बा की परम आराधक थी, इसलिए जो है माता भगवती क्या थी वचनबद्ध हो रखी थी कि पहले मैं सती के रूप में जन्म लूंगी, उसके बाद हिमाचल की पुत्री मेनका की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। इसी से सती ने ऐसा संकल्प लिया था। समय आने पर वही देवी अपना वह शरीर त्याग मेनका की पुत्री बन गई। जब इस जन्म में उन सती देवी का नाम पार्वती हुआ और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप किया। इस जन्म में भी जो है भगवती सती ने जो है किसको गुरु बनाया अपना? किसके मार्गदर्शन से? नारद जी के मार्गदर्शन से कठिन तप किया, घोर तप किया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब उस मेनका की उत्पत्ति विवाह चरित्र सुनाइए। वह मेनका धन्य थी जिसकी सती पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम पार्वती माता का वह परम पवित्र चरित्र सुनो जो बड़ा ही भक्ति वर्धक उत्तर दिशा में हिमाचल नाम का यह महान राजा था, जो अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप था और सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप, संतों का प्रिय शैलराज नाम से वह प्रसिद्ध था। वह गिरिराज जो है, वह हिमालय जो है बड़ा सुंदर था, सबसे ऊंचा पहाड़ था। वह जो है भगवान विष्णु की भी परम सुंदर स्थली थी और जो है ऋषिगणों की भी तपस्थली, सुंदर तपस्थली थी। वह हिमाचल भी कहा जा, उसे हिमाचल भी कहते हैं। उस पर्वत में जंगम और स्थित दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल में स्थित और धर्म वर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उनकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण मित्रों के पास गए और बोले, यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और देवताओं का कार्य होए, तो मंगल रूपणी कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत से कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा, सबका उद्धार होगा। पद पद पर होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का यह वचन सुन पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों के साथ की बात याद कर अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवता मुनि हिमालय के विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव संपन्न हुआ और सभी देवता मुनीश्वर शिव पर शिव शिवा का ध्यान कर अपने धाम को चले गए। इस प्रकार से जो है हिमाचल और मेनका का विवाह हुआ। उसके पश्चात जो है सभी देवता जो है
भगवती जगदम्बा पराम्बा की स्तुति करने लग गए। स्तुति करने लग गए, नारद जी बोल रहे हैं, हे विष्णु, हे सब गुरु, हे परम बुद्धिमान और वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, फिर इसके आगे क्या हुआ वह मुझसे कहिए। यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही है। मैना की पहली गति तो बड़ी शुभ है, मैंने उसका विवाह भी सुन लिया है। अब उनका परम चरित्र कहिए, पार्वती की मेनका से कैसे उत्पन्न हुई, उन्होंने दुसह तप कर शिव जी को बल रूप में कैसे प्राप्त किया, भगवान शंकर के इस यश का वर्णन आप कीजिए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे मुनि, जब मैना विवाह कर हिमालय पर्वत के घर आई तब तीनों लोगों में बड़ा उत्सव हुआ। जब जो है हिमाचल, हिमालय और मैना का विवाह हुआ तो सब देवता प्रसन्न हो गए, तीनों लोगों में खूब उत्सव होने लग गया। इसी समय देवताओं के साथ विष्णु जी हिमालय के पास आ गए और हिमालय से कह दिया कि भाई इसलिए तुम्हारा ये देव संयोग से तुम्हारा विवाह हुआ है, इसलिए अब तुम्हें भगवती जगदम्बा के आने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, घर को सजाना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। तब जो है हिमालय तथास्तु कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु, हे देवता हो, आप सब लोग जो है मेरे घर पर आए हैं, आपका स्वागत है, आपने आपकी जो इच्छा है वही होगा। तब सब देवता जो है हिमालय पर जो है भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगे। उन्होंने दंडवत कर प्रणाम किया और भगवती जगदम्बा की अनेकों स्तुतियों से आराधना कर रहे हैं। सभी देवता अपने अपने स्वरों में भगवती जगदम्बा को प्रसन्न कर रहे हैं। इस पर जो है भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई और जो है देवताओं को दर्शन दिए। हम सब इस प्रकार से देवताओं की स्तुति से देव प्रसन्न होगी। तब देवी बोली, जब देवताओं ने इस प्रकार, ब्रह्मदेव बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कठिन निवासिनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष जो है प्रकट हो गई। भगवती जगदम्बा जो है देवताओं के समक्ष जो है आकर के प्रकट हो गई। भगवती जगदम्बा का कैसा तेज था, अद्भुत तेज था, जो है जिसे हमारे नेत्र देख भी नहीं पा रहे थे, नेत्र बंद हो रहे थे, जो निहारे थे आंखें, भगवती जगदम्बा के तेज से हमारे सब देवताओं के नेत्र जो है बंद हो रहे थे, ऐसी भगवती जगदम्बा की आभा थी। सब देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। विष्णु आदि देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन कर लिया। उनमें से जो है ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने जो है भगवती का जगदम्बा का दर्शन किया। सभी को उनकी कृपा की प्राप्ति हुई, सभी को उनकी कृपा प्राप्त हुई, सब आनंद विभोर हो बार बार उनकी दंडवत करने लगे। इस प्रकार से जो है भगवती जगदम्बा का दर्शन पा करके सब देवता जो है बार बार माता की वंदना कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, मन प्रसन्न हो रहा है सबका। और फिर स्तुति करके कह रहे हैं, हे माता क्षमा कीजिए, श्रुतियों के कहने के आधार पर तथा अपनी दीनता बस हम आपसे यह कहते हैं कि पूर्व समय में आप हमारे हरि की प्यारी थी, भगवान शंकर की प्रिया थी। क्यों? क्योंकि उस समय को बीते हुए बहुत सा काल बीत गया है, सदी के दाह को बहुत समय बीत चुका है। तब जा करके देवता जो है हिमाचल के घर जाते हैं, हिमाचल से कहते हैं कि तुम उत्सव की तैयारी करो। अब भगवती जगदम्बा जो है पार्वती अर्थात पर्वत की वती पुत्री के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लेगी। इसलिए देवता कह रहे सुरपियों से, हमने जो है बहुत पुरानी बात होगी सुना था कि जो है आप जो है भगवान महादेव की अर्धांगिनी थी,
दक्ष की पुत्री थी और फिर शरीर त्याग आपने अपने लोक को चले गई और जो है अपना कार्य पूर्ण करके आपने अपना शरीर त्याग दिया था और आप अपने लोक को चली गई थी, जिससे शिव जी बड़े दुखी हुए और उस समय सभी देवताओं का कार्य नहीं हो सका। और उस समय क्या हुआ, भगवान शंकर दुखी हो गए, जिससे जो है उस समय से अब तक हम पे प्रभु की कृपा नहीं हो रही है। क्यों, भगवान शंकर वियोग में घूम रहे हैं, दिगंबर होकर के घूम रहे हैं, ओगड़ होकर के घूम रहे हैं, जो है भस्म धारण कर रहे हैं, मुंडों की माला धारण कर रहे हैं, इस प्रकार शमशान वासी हो गए, इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं। इस कारण हम लोग त्यागुल होकर के आपकी शरण में आए, अब आप देवताओं का सम्मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे शिवे, अब सनत कुमार के वचन को आप पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लेकर के भगवान शंकर की, भगवान शिव की अर्धांगिनी बनो, अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुख प्रदान करो। इस प्रकार से देवता क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवती जगदम्बा की। इससे कैलाशवासी शंकर जी प्रसन्न होंगे और हम सब के दुख दूर हो जाएंगे। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर भगवती जगदम्बा शिवा जो है प्रसन्न हो गई और उनके सब कारण विचार अपने प्रभु को स्मरण करती हुई देवी उमा जो है हंस करके बोल रही है कि हे ब्रह्मा विष्णु हे मुनियो हे देवताओं, तुम्हारे कुटुंब अवश्य होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरा चरित्र तो तीनों लोगों को सुख देने वाला ही है। भगवती जगदम्बा कह रही है कि मैं, मुझे जो भजता मैं उसको सुख ही सुख देती हूँ, तीनों लोगों में जो मेरा स्मरण करता है मैं उसका कल्याण करती हूँ, इसलिए तुमने मेरा भजन किया है, मेरा स्मरण किया है, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, तुम्हारे दुख अवश्य दूर होंगे, मेरे द्वारा ही दक्ष को मोह का प्राप्त हुआ, मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण रूप से अवतार लूंगी। भगवती जगदम्बा कह रही है कि मेरे द्वारा ही दक्ष की बुद्धि मोहित हो गई थी और जो है अब मैं ही पृथ्वी पर फिर से अवतार लूंगी। इसके और भी कारण है, पहले हिमालय और उनकी पत्नी मेरी सेवा की है, इसका कारण क्या है भले कि मैं हिमाचल के घर ही क्यों जन्म लूंगी, क्योंकि हिमाचल हिमालय और मैना ने जो है मेरी देवी आराधना के अपनी पुत्री पाने के रूप में भगवती जगदम्बा को अपने घर में पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया है, इसलिए मैं अवतार अवश्य लूंगी। अब वे भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट हो जाऊंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उनकी पत्नी अवश्य बनूंगी। मैं जानती हूं कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है मेरे पति जो है दिगंबर हो गए हैं, भगवान शंकर जो है दिगंबर हो गए हैं और उस सती के वियोग में महेश्वर आज भी मेरा वियोग सही नहीं कर पा रहे हैं। भगवान शंकर जो है अनाज जैसे घूम रहे हैं, मेरा वियोग जो है सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो दिगंबर हो चुके हैं, मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर दिया है। कुवेश माने भगवान शंकर से सुंदर तो कोई है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, क्या कर रहे हैं बन शंकर भगवान, राख उठा रहे मुंह पे लगा रहे, मिट्टी उठा रहे मुंह पे लगा रहे, शरीर पे लगा रहे, जटाओं में लगा रहे, अपनी सुंदर जटा अपने सुंदर आभा को छुपा रहे हैं, कुरूप हो रहे हैं, ऐसा भगवान शंकर ने अपना देश बना रखा है, इसलिए जो है अस्थियों की माला गले में पहन रहे हैं, परम वैराग्य हो गई, कभी शांति नहीं पा रहे हैं, वो जो है शांत चित्त एक जगह पे भगवान शंकर ठहर नहीं रहे। वे रुद्र मेरा प्राण ग्रहण करना चाहते हैं, अतो मैं हिमाचल के घर अवतार लूंगी, मैं हिमाचल की पत्नी मैना जो सांसारिक दिखाऊंगी। अब जो है इसमें जो है मैं मैना के घर
अवश्य जन्म लूंगी, मैना ने जो है मुझे पाने के लिए घोर तप किया है, इसलिए उसको अपने काल रूप में अवश्य दर्शन दूंगी। रुद्रप्रिया होकर महातप के द्वारा निसंदेह देवताओं के कार्य अवश्य करूंगी, यह सब वचन सत्य होंगे, उनकी कृपा से निसंदेह तुम्हारे दुख दुख दूर होंगे। कृपालु शिव जी कृपा से सब मंगल होगा और उनकी पत्नी होकर मैं तीनों लोगों में वंदनीय और पूजनीय हो जाऊंगी। और मैं करूँ वह विश्व माता अपने लोग को चलेगी और देवता सब लोग प्रसन्न होकर के अपने अपने लोगों को चलेंगे। बोलो भगवती जगदम्बा परम्बा की जय। नारद जी ने पूछा, जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चले गई तब क्या हुआ? मैंने मैना और हिमाचल ने किस प्रकार तप किया? भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री हुई? वह सारी कथा हमसे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हे मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ नारद, जब देवगण हिमाचल और मैना को प्रणाम कर चले गए तब हिमाचल और मैना ने महान कठिन तप करना आरंभ कर दिया। सब देवता जो है कह करके चले गए थे कि भाई अब समय नजदीक आ गया है, अब जो है तुम्हें ज्यादा जोरों से तैयारी करनी है, अब जगदम्बा आने वाली है, इसलिए जो उन्होंने क्या किया तप में लग गए। भगवती जगदम्बा के आने के स्वागत की तैयारी में कठोर तप करने लग गए, परिश्रम करने लग गए। दोनों पति पत्नी अहनिश शिवा की आराधना में लग गए। 27 वर्ष तक उन्होंने कभी जल पीकर और कभी सिर्फ वायु का भक्षण कर जो है निराहार व्रत कर शिव सहित भगवती की मृणमयी प्रतिमा बना करके अखंड पूजन किया। 27 वर्षों तक जो है बैठे रहे वो घर से महल से बाहर, और भगवती जगदम्बा की और शिव की जो है मूर्ति बनाते और उसका पूजन करते, निराहार रह करके कभी जो है वायु का ही भक्षण करते हैं, कभी जो है जल का ही भक्षण करते हैं। इस प्रकार से भगवती जगदम्बा की मूर्ति बना करके, शिव की मूर्ति बना करके अखंड पूजा करते हैं। अखंड पूजा का मतलब दिन रात ध्यान लगाते हैं। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना पर प्रसन्न हो गई। तब जा करके जो है वो समय आ गया जब भगवती जगदम्बा जो है माता मैना पर जो है प्रसन्न हो गई और प्रकट होकर के बोली, हे गिरि कामनी, हे गिरिराज की पत्नी, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रार्थना की है तुम्हारी वही इच्छा वही आवांछा पूरी होगी। मैना ने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति की। तब भगवती ने कहा, वर मांगो। उन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे एक वर यह दीजिए कि मेरे दीर्घात्मा 100 पुत्र हो, और दूसरा यह कि देव कार्य के लिए तुम मेरी पुत्री होकर के रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करो। मैना ने भगवती जगदम्बा से क्या वर मांगा कि मैं मेरे 100 पुत्रों का जन्म दे, और जो है तुम भी जो है मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हो और भगवान शिव से तुम्हारा विवाह हो, जिससे जो है जगत का कल्याण हो। देवी ने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। भगवती जगदम्बा ने कहा कि इसी प्रकार ऐसा ही होगा, जो तुम्हारी इच्छा है वही होगा। तब जो है मैना जो है पर्वतराज से मिली, उनसे सब समाचार कहा। उसे सुन पर्वतराज ने मेनका की बड़ी प्रशंसा की। पश्चात काल चक्र से सूरत से प्रकृति द्वारा मैना नागबंधुओं को भोगने के योग्य उत्पन्न पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम समुद्र का मित्र मैनाक पड़ा। यह मैनाक 100 पुत्रों
सौ पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। उस समय हिमाचल के पुर में बड़ा उत्सव हुआ, दोनों पति पत्नी आनंदित हुए और सबके कष्ट दूर हो गए। इसी घर में जब पुत्र उत्पत्ति होती है, नाती पोता किसी का बच्चा होता है, तो सब माहौल जो है सुंदर हो जाता है। घर में मिठाइयां बटती हैं, बहुत प्रकार के जो है कार्यक्रम होते हैं। इसी प्रकार जो है हिमाचल में भी, हिमालय के घर भी आनंद उत्सव होने लग गया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसके पश्चात मैना ने फिर गर्भ धारण किया और उस गर्भ धारण करने से सारा हिमाचल जो है सुशोभित हो गया। हिमाचल की सारे पर्वत श्रृंखलाएं जो है सुंदर हो गई, जिससे जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर रत्न रहते हैं, उसी प्रकार पर्वतराज ने अपनी संगर्भा पत्नी को रत्न गर्भा माना। उस समय जो है मैना जो है कैसे लगने लग गई, जैसे समुद्र को कहते हैं ना रत्न गर्भा, वैसे ही जो है मैना भी जो है रत्न गर्भा के समान लगने लग गई। क्योंकि इस प्रकार से उसकी आभा होने लग गई, क्योंकि उसके गर्भ से प्रभु की जगदम्बा ने प्रकट होना था। जिस जिस वस्तु की वह कांक्षा करती, पर्वतराज उसकी प्रसन्नता के लिए वह सब उसको भेंट दे देते। वैद्यों द्वारा गर्भ की पुष्टि अनेक प्रकार से कराई गई, अनेक उपचार कराए गए। गिरिराज की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। विष्णु आदि देवता आकर के निरंतर स्तुति करने लग गए। हमेशा जो है भगवान जो सब देवता जो है दर्शनों की बेलाई तो हो रहे हैं कि कब भगवती जगदम्बा अवतरित तो हो, इसलिए जो है रोज जो है दर्शनों की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। प्राकृतिक दृश्यों की अनुपम छटा हो गई। भगवती जगदम्बा के अवतरण के लिए सुंदर जो है वसंत का आगमन हो गया। हिमालय में जो है सुंदर वसंत हो गया। मंद मंद हवाएं चलने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी, खुशबू फैलने लगी, कई प्रकार के फूल खिल गए। प्राकृतिक दृश्य जो है सुंदर होने लगे। महात्माओं को सुख किंतु दुष्टों को दुख होने लगे। इससे जो है जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनको सुख का अनुभव होने लग गया और जो दुष्ट होते हैं उनको दुख का अनुभव होने लग गया। फूलों की वर्षा करते हुए गंधर्व जो है रोज गीत गाते, नृत्य करते। उसी समय पूर्ण शक्ति शिवा महादेव मैना के सामने अपने रूप में प्रकट होकर आ गई। अब जो है वह समय आ गया कि जब भगवती जगदम्बा का अवतरण होना है। तब क्या हुआ, माता भगवती जो है अष्टभुजा रूप में जो है मैना के सामने आ गई। बसंत ऋतु था, चैत्र का महीना था, नवमी की तिथि थी, मृगश्रा नक्षत्र और आर्द्रता का समय था। जब चंद्रमंडल में गंगा की भांति भगवती प्रकट हो गई, उस अर्धरात्रि में भगवती जगदम्बा जो है उस चंद्रमंडल से मैना के सामने प्रकट हो गई। जैसे लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हो, उसी प्रकार मैना के गर्भ से भगवती प्रकट हुई। भगवती के प्रकट होने से शिवजी प्रसन्न हो गए। शुभ सूचक सुगंधित वायु चलने लगी। अब भगवान शंकर कैलाशपति प्रसन्न हो गए, इसलिए सुगंधित वायु चलने लग गई। मेघ गर्जन करने लगे, जो है जो बारिश ही नहीं हो रही थी, अकाल सूखा पड़ा हुआ था, मेघों की गर्जना हो गई, बादल छाने लग गए, जल की बूंदें गिरने लगी, बर्फ की बूंदें गिरने लगी, बर्फ की कणियां गिरने लग गई है, फूलों की वर्षा होने लगी है। हिमाचल पर, हिमालय पर सभी प्रकार कुछ उत्पन्न होने लग गया। अब जो हिमालय वीरान हो चुका था, वो फिर से जो है हरा भरा होने लग गया। वहां असंख्यों जड़ी बूटियां फिर से प्रकट होने लग गई। और उस नगर के सारे
दुखों का विनाश हो गया। और जो भी हिमालय वासी थे, क्षेत्र वासी थे, वो जो दुखी थे वो सब जो है प्रसन्न हो गए। तब विष्णु आदि देवता प्रसन्न हो गए, प्रेम से जगदम्बा का वहां दर्शन करने आए और शिवा की बड़ी स्तुति की। और सब देवता जो है प्रसन्न हो गए और जो है मैना के घर में, पर्वतराज हिमालय के घर में पहुंच गए और भगवती जगदम्बा का दर्शन किया, प्रणाम किया और जो है अनेक प्रकार से जो है भगवती की स्तुति करने लग गए। तब जो है मैना कह रही है कि हे जगदम्बे, हे महेशनी, मैना को सब मालूम है इसलिए जो है हे महेशनी नाम से जो है संबोधित कर रही है कि अब आप जो है अपना ये विराट रूप त्याग कर हे भगवती जगदम्बा बाल रूप में आकर के मुझे आनंदित कीजिए, मेरे हृदय को आनंदित कीजिए। इस प्रकार जो है मेनका के वचन सुनते ही भगवती जगदम्बा जो है सुंदर बालिका के रूप में आकर के रोदन करने लगी और बाली लाए करने लगी। बोलो भगवती जगदम्बा पर अम्बा की जय। ब्रह्मा जी बोले अब वह काली भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में रोदन करती हुई ऐसी लौकिक गति को प्राप्त हो गई कि बिना तेज के मैना के सैया के चारों ओर प्रकाश फैल गया, वहां दीपक के हद कांति हो गई और कन्या का रोदन सुनकर वहां स्त्रियां दौड़कर उनके पास चली आई। इस प्रकार से अब तक जो है देवलीला हो रही थी, अब तक कौन थे साथ में, सब देवता। अब जो है भगवती जगदम्बा बालिका के रूप में रोदन करने लग गई। तब जो है उस राजघराने की जो है सब स्त्रियां दासियां सब आ गई और रोदन सुनकर के वहां दौड़कर आई। कन्या को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, सुप्त सूचक में जाकर के गिरिराज को पार्वती का जन्म का समाचार सुनाया। गिरिराज ने उनका ऐसा अमृत वचन सुनकर उसे छत्र छोड़ सब कुछ देने को कहा। फिर पुरोहित को साथ ले राजा वहां गया जहां कन्या का जन्म हुआ था। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाली मनोहर और नेत्रों को सुखदायक ऐसी कन्या को देख गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए। कैसे वर्ण की थी भगवती जगदम्बा? नीले वर्ण की, श्याम वर्ण की, नीले नयनों वाली ऐसे मनोहर कांति वाली भगवती जगदम्बा जो है छोटी सी, उसको देख करके जो है गिरिराज प्रसन्न हो गए। अनेकों प्रकार के मंगलाचार करवाए, उत्सव करवाए, ढोल नगाड़े बजने लग गए। हिमाचल ने अपने द्वार पर बड़ा उत्सव किया, बिच्छुओं को बहुत सादान दिया। इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि मनोरथ पूर्ण हो गया, तपस्या पूर्ण हो गई। तब जो है हिमालय के घर जो आया, जो भी दरवाजे पे खड़ा रहा, जिसको जो चाहिए हिमालय ने वह दान दिया। फिर ब्रह्मादिक देवताओं और मुनियों ने आकर उनका सर्व संस्कार पूर्वक काली, महाकाली इत्यादि नाम रखा। इस प्रकार से मुनि और देवता वहां आए और उन्होंने उस भगवती जगदम्बा पराम्बा का संस्कार किया। कौन सा संस्कार? नामकरण संस्कार। नाम क्या रखा? काली, महाकाली, उमा, पार्वती इत्यादि यह नाम रखे। पश्चात कालिका देवी बड़ी शीघ्रता से हिमालय के ग्रह में पढ़ने लगी। चंद्रमा की भांति सुंदर रूप को धारण करने लगी। नगर के लोग पार्वती तथा कोई सुशीला और कोई बंधुप्रिया भी कहने लगे। इस प्रकार से होता है ना, बच्चों के नाम रखते हैं ना घर में, अनेकों नाम, कोई किसी नाम से बोलता है, कोई किसी नाम से बोलता है। इसी प्रकार जो है उस नगर में भी, उस हिमालय में भी लाड से जो है जिसको जो नाम सूझा भगवती जगदम्बा को उसी नाम से प्रेम से पुकारने लगे। जब उनकी माता ने तप करने काज के लिए निषेध किया तब से उनका नाम उमा हो गया। अब वह भगवती देवी गंगा के तट पर अपने सखियों के साथ गेंद खेलने लगी, फिर अपने गुरु से विद्या पढ़ने लगी।
अल्प काल में ही दुर्गा देवी सब विद्याओं की परांगत होगी। हे मुनि, यह भगवती देवी का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है, अब इसका आगे का चरित्र भी सुनो। इस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवती जगदम्बा को विद्या पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अवतार कहाँ लिया भगवती जगदम्बा ने? धरती पर लिया, हिमालय पे। इसलिए वो लौकिक लीला कर रही हैं अपनी, जो भी देवता भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो विद्या ग्रहण की, राम ने अवतार लिया विद्या ग्रहण की, क्योंकि वो तो सर्व ज्ञान संपन्न है, परंतु लौकिक क्रियाएं पूरी करने के लिए सांसारिक, कि मैं भी संसार में आया हूँ, ये इस धरा पे अवतरित होने के लिए देवता भी तरसते हैं, यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्यों कि आसान नहीं है यहाँ धरा पे आना, और हम यहाँ आते हैं और अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं, इधर उधर बिता देते हैं और जीवन समाप्त हो जाता है, 50 वर्ष हो गए, 60-70 हो गए, चले गए, अब फिर जो है हम जो है 84 के चक्कर में फिरते रहते हैं, और तब कई कल्प बीत जाते हैं, तब फिर यहाँ आते हैं, फिर से वही करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भगवती जगदम्बा ने यहाँ अवतार लिया और अल्पकाल में सब विद्या को ग्रहण कर दिया। ब्रह्मा जी बोले थे, नारद, एक समय जब हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बुलाकर प्रसन्नता करते हुए तुमसे उनका गुण दोष पूछा। कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ये नारद, तुम्हें तो गए थे एक बार उनके घर, तब जो है हिमालय ने अपनी पुत्री को बुलाया था और कहा था जरा इसके योग भाग को देखो कैसे हैं, इसके योग कैसे, क्यों पूछा? क्योंकि वह लौकिक, वह स्मृति, वो सब समाप्त कर दी, प्रभु जो है वो सब स्मृतियां समाप्त कर देते हैं अपनी लीला के रचने के लिए, तब वो क्या हो गए, सांसारिक। पूछा तुमसे, पूछा बल्कि इसके गुण और दोष बताइए, इसका जीवन कैसे होगा, इसको कैसा पति मिलेगा? तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देख करके बोले, हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से आद्य कला है, यह अपने पति को सुख देने वाली तथा पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली होगी। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि तुमने जो है हिमालय से कहा था कि यह पुत्री जो है तीनों लोकों में यश बढ़ाएगी, तुम्हारा अपने पति का आदर करेगी, अपने पति से सम्मान पाएगी और जो है अपन तुम्हारा भी जो है सम्मान बढ़ाएगी, परम साधी तथा आनंद देने वाली होगी, इसके साथ सभी लक्षण शुभ हैं, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है जिसका फल सुनो। ये सब तो ठीक है पर एक रेखा जो है विलक्षण है, योगी नंगा गुण रहित अकामी माता पिता से रहित और अमंगल वेश वाला इसका ऐसा पति होगा। विवाह, अब देखो नारद जी ने जो है फेर में डाल दिया कि अपनी पति की सेवा करेगी, पति की प्रिया होगी, जो है तुम्हारे भी कुल का नाम ऊंचा करेगी, तीनों लोगों में ख्याति होगी, पर पति कैसा होगा बोले योगी, जो निरंतर ध्यान में रहेगा, नंगा दिगंबर, जो वस्त्र भी नहीं पहनता, जिसके पास वस्त्र ही नहीं है, जो गुणहीन, जिसमें गुण और अवगुण कुछ भी नहीं है, अकामी, जिसको किसी चीज की इच्छा ही नहीं है, जिसके माता पिता नहीं होंगे, अमंगल वेश, जिसका वेश जो है देखने योग्य भी नहीं होगा और देख भी नहीं पाएगा कोई, इस प्रकार का वेश होगा, इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों को से उन दोनों पति पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिव जी को जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। परंतु क्या हुआ बोले, जगदम्बा जो है यह सब बात जानती थी और प्रसन्न हो गई, हृदय में जो है प्रसन्नता आ गई उनकी। दुखित हिमाचल ने तुमसे उपाय पूछा, तब तुम कौतुकी नारद जो है मीठे वचनों में हिमालय से कहने लगे, हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं होता है। कह रहे हैं
कि तुम तो मजाक किया नारद हो, तुमने जो है कौतुक करके मजाक करके जो है कहा कि मेरा कोई वचन असत्य नहीं होता है, होगा तो ऐसे ही मजाक मजाक में अपनी सारी बात कह दी है। ब्रह्मा की लिखी रेखा कभी असत्य नहीं होती है, विधाता ने जो लिख लिया वो असफल होते रहता है, वो फलित होता है, इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा। परंतु इसका एक उपाय कहता हूं। तो नारद जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुमने कहा कि मैं इसका एक उपाय कहता हूं, ज्यादा जो है अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, जिसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज शिव जी ऐसे हैं कि उनको कुलक्षण भी सुलक्षण हो जाते हैं। कह रहे हैं कि वो शिव तो ऐसे हैं कि उनके कुलक्षणों में भी सुलक्षण हैं, प्रभु में दोष भी हैं तो गुण भी हैं। प्रभु के भगवान शंकर के जो दोष हैं वही गुण भी हैं। जैसे सूर्य अग्नि गंगा, तुम इन गंगा है तुम इस कन्या को शिव जी के लिए दान कर दो, आशुतोष शिव जी इसे ग्रहण कर लेंगे, इसकी सिद्धि के लिए यह सुंदर कन्या तप करे। शिव जी ऐसे सामर्थ्यशाली हैं कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश और पालन कर सकते हैं, ब्रह्मादि देवता उनके सब अधीन हैं। भगवान शंकर का ऐसा रूप और ऐसा गुण तो अवश्य है, परंतु क्या है वो सारी सृष्टि को समाप्त कर सकते हैं, सारी सृष्टि को पालन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु आदि सब उनके ही अधीन हैं। फिर तुम क्या करोगे, यह तो स्वयं ही शिव को छोड़ दूसरे से विवाह नहीं कर सकेगी। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि नारद जी कह रहे हैं कि तुमने कहा कि यह जो तुम्हारी कन्या है ये कौन से दूसरे से तुम किसी और से विवाह करना चाहोगी, तो ये किसी और से विवाह नहीं करेगी, ये स्वयं भी उन्हीं प्रभु से विवाह करना चाहती है। हे नगश्रेष्ठ, इस प्रकार जो ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। हे नगश्रेष्ठ बल, हे पर्वतों के राजा बल, इस प्रकार जब इन दोनों का विवाह होगा तो देवताओं के सभी कार्य सफल होंगे। इस कन्या से शिवजी अर्धनारीश्वर कहलाएंगे और वह अपने तप के प्रभाव से शिवजी के आधे शरीर को ग्रहण कर लेंगे। इसका गौरा नाम होगा और यह हरि तथा ब्रह्मादिक सब देवताओं की पूजा हो, अनंत ख्याति को प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी कहीं इस बात को किसी और से न कहना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर उत्पन्न हुई थी और सती नाम से रुद्र की ही प्रिया हुई थी। जब पहले जो है यह कन्या जो है दक्ष के घर उत्पन्न हुई थी तब भी इसका विवाह शिव से ही हुआ था। यहां इसका नाम पार्वती होगा और यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होगी। यह सुन हिमालय और मैनिका अपने कुटुंबियों से सुखी हुई और साथ संशय निवृत्त हो गया। इस प्रकार से जो है नारद ने जो है सारी शिव की माया सुना भी ली, कथा सुना भी ली, क्योंकि अभी शिव विवाह शेष है, सारे सुना भी ली और धीरज भी बना दिया कि प्रभु ही है, वही सबके स्वामी है, वही जगत करता है, वही हरता है, वही हम ब्रह्मा विष्णु आदि के अधिष्ठाता देवता है। फिर नारद के वचनों को सुन करके सबने धैर्य धारण कर दिया और जो है उधर कालिका जी नारद के वचनों को सुनकर लज्जा से मुख ढक करके वहां हंसने लगी। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल प्रसन्न होता हुआ अपने घर को चला गया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भगवती जगदम्बा पराम्बा की जय।